वो एक महत्वपूर्ण फैसला था। 16,000 करोड़ रुपीज, नहीं अभी कितना है, 15,900 अमाउंट है। एक मिनट में बताता हूँ मैं, वो नहीं 13 है तो 12 या 13 तो 17, 12 to 17 हो गया, 12% था अब 17% हुआ है, तो ये अच्छी बढ़ोतरी है और इसका सभी लोग स्वागत करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय था कश्मीर के विस्थापितों के लिए। आपको पता है कश्मीर में अनेक तरह से विस्थापित आए, 1947 में जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है वहां से अनेक लोग विस्थापित होके आए। फिर 48 में जब पीओके वो कबालियों का आक्रमण हुआ और वो कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तब पीओके से अनेक विस्थापित आए और जम्मू कश्मीर को से, लेकिन उसमें 5,300 फैमिलीज ऐसे थे कि जो जम्मू कश्मीर में नहीं बसे, दूसरे प्रांतों में गए। बाद में थोड़े समय के बाद वो फिर से जम्मू कश्मीर में रहने गए। जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में पैकेज घोषित किया था विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का, एक मुश्त एक दफा 5.5 लाख रुपए उनको सहायता राशि देनी थी और रिहैबिलिटेशन के लिए, तो उसमें ये 5,300 परिवार शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनका वो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर प्रदेशों में गए, इसलिए उनके नाम उस लिस्ट में नहीं आए थे। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सभी 5,300 डिस्प्लेस परिवारों को भी ये 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। ये उनके साथ न्याय हुआ है, अनेक साल उनके साथ अन्याय हुआ था, वो न्याय की दरकार में थे और ये न्याय अब आज हुआ है। मुझे विश्वास है कि इसका भी पूरी कश्मीर वैली में स्वागत होगा, कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन्स में। आपने ये भी सुना होगा कि कश्मीर में किस तरह से इस बार नवरात्रि के दिनों में भी सभी समुदाय इकट्ठा कर कैसे मनाया गया, और I will set out after I read all the 4 decisions. तीसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए एक तरह से इनपुट के लिए किसान को खेती के खर्चे के लिए मदद के रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं, उसमें 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को अब तक दिया गया है। और उसमें एक दिक्कत आ रही थी कि सभी जगह आधार सीडिंग, ये उसकी शर्त है, वो कंप्लीट होने को समय लग रहा था, इसलिए अभी 30 नवंबर तक उसमें राहत दी गई है कि सीडिंग उसके बाद में हुआ तो भी चलेगा, 30 नवंबर तक होना चाहिए, लेकिन तब तक राशि रुकेगी नहीं, लोगों को किस्त मिलेगी। 2,000 रुपए के 3 किस्त है, ये दुनिया की अनोखी योजना है। 87,000 करोड़ रुपए 14 करोड़ किसानों के लिए मंजूर किए हैं, उसमें लगभग आधे 7 करोड़ के लगभग किसानों को पैसे जा चुके हैं, तो ये काम शुरू है केवल 2 राज्य में अभी नहीं है, एक बंगाल
और दूसरा दिल्ली, क्योंकि ये राज्य किसानों के नाम भेजते नहीं, तो देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजे 6000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन दो राज्यों में नहीं मिलते हैं। वो अब संघ राज्य व्यवस्था है तो वो कब क्या करते देखेंगे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि आप किसी का केवल आधार सीडिंग नहीं है, इसलिए पैसे नहीं रुकेंगे। नवंबर तक उसकी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ाई गई है, ये भी करोड़ों किसानों को तुरंत फायदा देगा और उनको अभी रबी क्रॉप के लिए जो इनपुट्स लेने हैं उसके लिए उनको भारी मदद होगी, और ये करोड़ों किसानों को लाभ देने वाली योजना आज के मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय हुई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज मंत्रिमंडल के सामने नेशनल हेल्थ मिशन, इसके बारे में भी विषय आया, और जो हमने तरक्की की है सभी मानकों पर भारत ने एक तरह से लोगों के आयु आरोग्य सुविधाओं में इतनी अच्छी पहल की है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत के लिए 2030 तक साध्य करने का लक्ष्य था, जो हमने ही लिया था, उसको हम पहले ही अचीव करेंगे, यह आज की स्थिति है। इसमें मैटरनल यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो पहले हर 5 साल में 3-5% से कमी होता था, अब यह 8% से कम हुआ है 2011 से 16 तक। तो इसका मतलब है कि 50% ज्यादा रिजल्ट आया है और आज ये दर 130 रहा है, तो बहुत कम हुआ है, पहले ज्यादा था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो होता है, इसमें पहले 3% ज्यादा से ज्यादा होता था कमी, अभी 5% से हो रही, यहां भी 1.5 गुना ज्यादा तरक्की भारत ने अचीव की है और इसलिए यह दर 33 पे आया है। 33 यानी 33 बच्चों की मौत 1 लाख आबादी में 5 साल पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है। हमें तो बहुत अचीव करना है, लेकिन बहुत अचीव कर चुके हैं, ये इसका संदेश है। 5 साल के पहले मृत्यु होने के दर में घटौती उपायों के चलते पहले लगभग 4% होती थी, अब 5 साल में 6.5% कटौती हुई है, तो ये भी 1.5 गुना ज्यादा सफलता मिल रही है, अब ये रेट 37 है। मलेरिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी नवाजा, मलेरिया के बहुत ही ज्यादा जहां प्रचलन था उन देशों में भारत सुमार था, लेकिन अब पिछले 5 वर्षों में एनुअल पैरासाइट इंडेक्स में भी, जो पैरासाइट इंडेक्स 0.06 था, वो अब कम होके 0.03 आया है, ये अच्छी खबर है। और ये देश भर में मलेरिया कम हो रहा है, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। 10 लाख आशा वर्कर्स को उनका जो मानधन था उसमें दुगुनी वृद्धि की, 1000 से 2000 रुपए किए, उनको अन्य सुविधाएं देने का भी निर्णय हुआ है, और लगभग 5 लाख गांव में जन आरोग्य योजना की कमिटियां बनी है। वेलनेस सेंटर
21,000 बने हैं, 40,000 इस साल में बनेंगे। और आयुष्मान भारत योजना जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है गरीब के लिए, उस आयुष्मान भारत के लिए 31 लाख से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में इलाज मिला है आज तक, अभी 31 और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, परिवारों को कार्ड मिला है, और ये गति से अभी बाकी परिवारों को तक भी पहुंचेगा। इसमें भी केवल 2 राज्य सहभागी नहीं हुए हैं, बंगाल और दिल्ली। तो पूरे देश में गरीब जनता को 5 लाख रुपए का संरक्षण मिलता है, लेकिन बंगाल और दिल्ली के गरीब लोगों को नहीं मिलता। अब संघ राज्य है, देखते हैं कब क्या आगे होता है। लेकिन इसका महत्व यह है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जो लक्ष्य भारत ने आरोग्य के क्षेत्र में लिए थे, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन की गतिशील अमल के कारण हम उन्हें जल्दी साध्य करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। टुडे कैबिनेट मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड इन अ मेजर डिसीजन इट हैज इंक्रीज्ड Dearness Allowance by 5% of central government employees and pensioners. It will benefit nearly 50 lakh central government employees and 65 lakhs, 50 lakh central government employees and 65 lakh central government pensioners. It will entail upon nearly 16,000 crore rupees. And this is the highest in a way, 5% rise in one go. And more importantly, on the eve of Diwali, this will be paid from July 2019. And this has been, this will bring cheers to the working classes, because central government is achieving many milestones in various sectors, and it is the contribution of central government employees to all these achievements, and therefore this decision was taken. Second decision is historically important for Kashmir and Jammu Kashmir region. In Jammu Kashmir, there were various 3 types of displaced families came. First lot came after 47, immediately after partition. The second came after Pakistan's, after Kashmir's assimilation in India, accession to India. And after that, from POK families came. But some of the families, 5,300 families, came from POK but settled in other states other than Jammu and Kashmir. And therefore, the package which was announced by Prime Minister Narendra Modi in 2016 to give 5,50,000 rupees per family as a resettlement package was not granted to these 5,300 families because they were categorized separately by earlier regimes. Today we have done justice to them. Today we have removed that injustice. And now all these 5,300 families will also get 5,50,000 each family. And this is historical wrong being corrected. And therefore, this is also very important, and I am very sure whole Jammu and Kashmir region will be happy with this decision. In a third decision for millions of farmers,
we after finding out that there is some difficulties in some states for seeding of Aadhaar account for their applications, we have extended the Aadhaar seeding limit up to 30th November. And therefore, millions, because of non-seeding, who were not getting this 6,000 to the Prime Minister Kisan Samman, will get. Because this is on the eve of Rabi season, they get timely assistance. Because this is unique scheme where 14 crore farmers are getting 87,000 crore rupees. And already more than 7 crore farmers have got it. The only two states which have not joined this scheme or which have not submitted their details are West Bengal and Delhi. So, farmers from all over the country are benefiting, but farmers from West Bengal and Delhi are deprived. So, this is one important decision for farmers. And in the last important decision is that the progress in National Health Mission was reported to the cabinet today, and we are happy to announce that the sustainable development goals set by India for itself to be achieved by 2030, we will achieve much early. Because maternal mortality rate, infant mortality rate, under 5 mortality rate have come down with more fast pace. Malaria, we were among the 10 countries which had more infections of malaria, but the National Health Mission implemented throughout the country has resulted and the malaria incidences has declined to a large extent. And World Health Organization has also appreciated India's efforts in removing malaria from its country. And ASHA workers, 10 lakh ASHA workers who are the main change agents, are also rewarded the mandhan, which has been increased by double from 1,000 to 2,000, and they will get additional facilities also. At the same time, the community participation, the committees are existing in 5 lakh plus villages, and they are working good and achieving these results. Vaccination is more. There are 21,000 wellness centers and over 40,000 will be established this year. And more than 31 lakh patients have taken health services through hospital during Ayushman Bharat. Again, in Ayushman Bharat, the whole country is poor are benefited, but only 2 states have not participated. They are West Bengal and Delhi. So, poor sections from West Bengal and Delhi don't get benefit of Ayushman Bharat. But I'm sure ultimately states will relent and submit the necessary information and will join the scheme. That's all from my side. Dhanyavaad, sir. I think kuch question hum le sakte hain. Yes, please. Sir, you said that the farmers whose account has not been seeded by 30th November, they will get the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Some of the farmers have already get second installment. So some have got third installment also. So this means all the three installments will be... There is a bylaw, when they join, they get the next installment. In the previous cabinet meeting, there was a proposal to offload government shares in
PCIL, ITI. There was no briefing, no release. So will you kindly confirm or enlighten us in that regard? No, I'll also have to check up, because last time we did not had a press conference. It was late night. Yeah. Nahi, ha ha. Ha. और हमारी सनातन परंपरा रही है एक पूजा प्रक्रिया अपनाने की वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नींबू और नारियल ओम लिखकर किया लेकिन विपक्षी दलों को इस पर अंधविश्वास नजर आ रहा खासकर कांग्रेस को अब कांग्रेस को क्या लगता है इसका मैं क्या जवाब दूं वो भटक गई पार्टी और हर देश अपने तरीके से लेता है कोई भी और अपने देश में शस्त्र पूजा की और विजयादशमी की एक परंपरा है पूरा तो इसमें कोई गलत है नहीं जस्ट बन आप मुझे बाद में मिले लेकिन वो मैं बताऊंगा यानी केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल के मंत्री जा रहे हैं ना तो मंत्री लेवल का या मेयर लेवल का कॉन्फ्रेंस है बट आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स यस या योजना ऐसे में जबकि दो राज्यों में चुनावी बिगुल बजा हुआ है किसानों से जुड़ी हुई ये योजना है आपको लगता है जो शिकायतें इसमें मिली थी इस बार ऐसा नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगी किस योजना के बारे में किसान सम्मान योजना हाँ तो जो राज्य शामिल हुए उन सबको मिल ही रहा है उसमें कोई बाधा नहीं है जो विस्थापित की बात है वो जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अभी बसे हुए हैं या फिर पहले पीओके से देश के अलग अलग हिस्सों में फिर आप जेएनके में चले जो हाँ फिर से जेएनके में गए हैं यस प्लीज ये वो फैमिलीज है जो अभी जेएनके में है देर से आए ना लेकिन दुरुस्त आए बहुत अच्छा है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर